कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी मेरे साथ में इनसे बात करेंगे। जिस तरह उन्नाव की घटना हुई है, काफी दिल दहलाने वाली घटना हुई है, क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो ये दुखद घटना है और मैं इसकी निंदा करती हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से। आज फिर एक बेटी अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, हक की लड़ाई लड़ते लड़ते, आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। क्यों नहीं ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? और सुरक्षा के साथ साथ जो बेटी अपनी हक की लड़ाई लड़ने का प्रयास करती है उसको इस तरह की उसके साथ इस तरह की घटना होती है। अपराधी बेखौफ है, इतना डर नहीं था उनके अंदर कि जो जेल से छूट के आए और सबसे पहले उन्होंने आ करके उस बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश करी। आज 90% जली वो बेटी उत्तर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो इस पर तो अगर योगी जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश ने इतना विकास कभी नहीं किया है, काम अच्छे हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आज रोज उत्तर प्रदेश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अगर योगी जी उसको अच्छा काम कहते तो जरूर हो रहा है। आज रोज अपराध बढ़ता चला जा रहा है, हत्याएं हो रही, लूट हो रही है, अगर योगी जी इसको विकास कहते हैं तो जरूर विकास हो रहा है। ये तो तय करना उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है कि विकास और अच्छा काम करना उनके लिए उसकी परिभाषा क्या है, पहले वो उसको तय करें। आज अगर उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में जिस परिवेश में देखा जा रहा है वो शर्मनाक है। हमारा सर झुक जाता है शर्म से कि एक उन्नाव की घटना पहले हुई थी और ये उन्नाव पार्ट टू है। आज शाहजहांपुर की घटना हुई, संभल में एक दलित बेटी को जिंदा जला के मार दिया गैंगरेप के बाद। अगर ये विकास की परिभाषा है तो हमें ऐसा विकास उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। जिस तरह प्याज के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, जब मनमोहन सरकार थी बाकायदे यहाँ की महिलाओं ने, तमाम बीजेपी के नेताओं ने तमाम विरोध किया था और साथ में उनको राखी तक भेजी थी, प्याज की राखी बनाकर भेजी थी, ऐसे में क्या लगता है जो प्याज के दाम इतने बढ़े हुए हैं उसके लिए कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है, क्या कहना है? देखिए आज भी इस वक्त जब वर्तमान में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दिल्ली की संसद में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। हम सदन के अंदर भी हम विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी और सदन के बाहर भी कर रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये सबसे ज्यादा अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो गृहिणी की रसोई पे पड़ता है, जो अपने परिवार को अच्छा खाना भी खिलाना चाहती है पर अपनी जो बचत है उसकी, जो पैसा वो बचा के और कामों के, बीमारी के लिए या और किसी कार्य के लिए रखती है, उसका पूरा बजट असंतुलित है। तो ये 50% की जो आबादी है इस देश की, ये उसकी लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। तो जिस तरह रत्ना मिश्रा जी कह रही हैं कि जो प्रदेश सरकार है उसका काम ठीक नहीं चल रहा है और साथ में जो बेटियाँ हैं वो असुरक्षित हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी प्रयागराज से।